अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं हमेशा आपको यही बात बताता आ रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अपनी प्रिपरेशन के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करनी है। रोज़ आप पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ोगे, फिर आप देखो इंशाल्लाह आपकी सक्सेस आपके सामने होगी। ओके, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। चले बेटा, विदाउट एनी डिले टूडे आर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाइटामिन ई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वाइटामिन ए के बाद वाइटामिन बी आपको स्टार्ट करना था। लेट मी टेल यू बेटा, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन की थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड देन वी हैव वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन में आपका आता है कीडा, के ई डी ए, जिस तरह जो मैंने आपको कहा यहाँ ए डी ई के, पहले ए डी ई एंड के, तो दैट इज वाई मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड आफ्टर That I will be taking water soluble vitamins, ठीक है? तो चले बेटा, आज का टॉपिक क्या है? जी हाँ माय डियर, आप पहले स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज वाइटामिन ई। तो वाइटामिन ई का पहला इंट्रोडक्शन होगा, जनरल प्रॉपर्टीज होंगे, सोर्सेज की बात करेंगे, और अगर डिफिशियंसी होगी वाइटामिन ई की तो क्या क्या डिजीजेस एसोसिएटेड है विद वाइटामिन ई। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार कहता हूं, आप मेरा कॉन्टेंट तो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आज आप क्या करोगे? पहले से ही सब्सक्राइब करके रखो। मुझे पता है आप भूल जाते हो, तो लेकिन आपको पहले से ही नीचे जो बेल आइकन है या सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो, और आपको सारे जितने भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है? तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके नाउ माय डियर, वन बाय वन, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। जो पहला पॉइंट है यहां पे बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, कि वाइटामिन ई जो है, पहले मैंने आपको कहा इट इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, तो यहां पे देख लो बेटा, पहला पॉइंट वाइटामिन ई जो है ये क्या है? फैट सॉल्युबल वाइटामिन है विद स्पेसिफिक, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाला वाइटामिन है, ठीक है ना बेटा? तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा सर? वाइटामिन ई जो है इट इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन विद स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये तो पहला पॉइंट है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव थोड़ी ना आने वाला है, आपको जनरली ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? वाइटामिन ई इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज इंपॉर्टेंट टू, ये किन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज important for vision also, reproduction also, and the health of your blood, brain and skin. तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिल रही है। अगर हम वाइटामिन ई की बात करेंगे, वाइटामिन ई में भी विजन का काफी ज्यादा रोल है, रिप्रोडक्शन का भी काफी ज्यादा रोल है ना? तो ये आप दिमाग में रख लो, ठीक है? नंबर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंट्रोडक्शन में वाइटामिन ई के रिलेटेड। वाइटामिन ई इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाइटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है, it's not that much important. Okay, so this was a little introduction related to what? Vitamin E. Or two points hai yahan pe. Now, vitamin E is found in several forms. Ye important hai beta, isko aap yaad rakhenge, bahut important hai. This one is important. Jo vitamin E hai, it is found in several forms, but ये वाला पॉइंट देखो, इसको मार्क करेंगे, बट अल्फा टोकोफिरॉल, तो द नेक्स्ट नेम ऑफ द वाइटामिन ए इज टोकोफिरॉल। ओके, तो टोकोफिरॉल, लेकिन कौन सा पार्ट? अल्फा टोकोफिरॉल इज द ओनली वन दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी, that is used by the body. So which vitamin E form is mostly used up by the body? It is alpha tocopherol. Therefore it is also sometimes referred as, generally it is also called a tocopherol, but tocopherol real name kya hai? It is alpha tocopherol, and it is only vitamin that is used up by the body. Okay, this is very much important, can be asked in your examination. Number next, there are 8 chemical variations of vitamin E that are found in nature. To ye yaad rakh lo, kitne chemical variations vitamin E nature mein paaye jaate hain? 8, each which has different amounts of biological activity. Chhodo ye itna zyada important nahi hai, lekin ye wala important yaad rakh lo. There are, shabash,
8 chemical variations of vitamin E that are found in nature, each of which has different amount of biological activity. तो इतना आप इसमें याद रखेंगे. देखते हैं कुछ और. The only type of tocopherol, हाँ, yes, here it is, you know, very much important. क्या आपने याद रखा? पहले आपने याद रखा सर कि यहां पे कितने हैं, शाबाश, 8 chemical variations present है, ठीक है. उनमें से the only one type of tocopherol recognized as meeting human needs is alpha tocopherol. Again, तो ये ऊपर भी मैंने आपको कहा है कि alpha tocopherol को आप याद रखेंगे. 8 variations में से it is the alpha tocopherol that is important for human need. Okay, got it? शाबाश. चलिए बेटा. Now, another point. It is primary function. Yes, so far as vitamin E function is concerned, it is primary function is to serve as an antioxidant by saving loose electrons or free radicals which can harm cells. देखो, इसकी primary function है, it acts as an antioxidant, right? Number next point, vitamin E strengthens the body's natural defense against disease and infection and keeps the skin and eye healthy. Very good. Skin and eye को healthy रखता है because हमारे immune system को ये strong करता है. कौन? Vitamin E भी. ठीक है ना? तो this was introduction about vitamin E and I hope you are very much enjoying the lecture. Okay, dear. Now, what are the sources of vitamin E? Sources की अगर हम बात करेंगे, देखो बेटा, बिल्कुल simple है. यहाँ पे पहला point, plant-based oils. जी हाँ, plant-based oils, nuts, seeds, fruits and vegetables all contain vitamin E. ठीक है ना बेटा? तो ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे. सो फार एज द सोर्स ऑफ वाइटामिन इज कंसर्न, कहां पे ये मिल रहा है सोर्स इसका, तो आप देख सकते हैं सर, प्लांट बेस्ड ऑयल्स है, नट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल कंटेन वाइटामिन ई. नाउ ये वीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर, सैफलोफ्लावर, सैफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल्स, सनफ्लावर सीड्स, almonds, peanuts, peanut butter, beet greens, collard greens, spinach, pumpkin, ठीक है ना बेटा, pumpkin, red bell pepper, asparagus, mango, avocado. तो these are all fruits and vegetables which act as the source for what? Vitamin E. Very simple to understand. तो go through it continuously, याद कर लो, questions, एक दो questions तो आएंगे, लगभग एक question तो vitamin में आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे. Now, signs and symptoms की बात करेंगे. Signs and symptoms of vitamin E deficiency अगर होगी तो क्या होगा? तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको कहा था, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. अगर वाइटामिन ई कम पाया जाएगा, डिफिशियंसी होगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लो एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो यहां पे आप देख सकते हो, पहला ही पॉइंट यहां पे है, इट इज लो इम्यूनिटी. वेरी गुड. इम्यून सेल्स मे बी इनहिबिटेड बाई वाइटामिन ई डिफिशियंसी. According to studies, elders may require more vitamin E since aging causes changes in the immune system. तो generally अगर हम बात करेंगे, younger people में ये नहीं पाया जाता है, older people में पाया जाता है, क्योंकि जो ही old age होती है ना, immune system weak हो जाता है, इसलिए vitamin E को चाहिए होता है older में, जो older generations है, तो इनको vitamin E की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि aging से क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए उनको इम्यून वाइटामिन ई की काफी ज्यादा जरूरत लगती है. चले वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, यहां पे हमें थोड़ी ना ये सारा चीज पढ़ना है. तो यहां पे देखो, दूसरा पॉइंट जो है, हाँ, इश्यूज विद कोऑर्डिनेशन, राइट. तो ये भी एक अच्छा डिफरेंट पॉइंट है, जितने भी हमने वाइटामिन पढ़े ये काफी डिफरेंट है. इश्यूज विद कोऑर्डिनेशन, डैमेज टू द मसल्स. देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम मसल्स, स्केलेटल मसल्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, एंड मसल्स एंड नर्व्स कैन मेक कोऑर्डिनेशन चैलेंजिंग. अगर वाइटामिन ई की कमी होगी ना, तो मसल्स में देयर इज यू नो, मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे, एंड योर स्केलेटन, राइट, एंड योर नर्व्स, तो देयर विल बी लेस कोऑर्डिनेशन अगर वाइटामिन ई की कमी होगी.
तो दिस मेक्स इवन सिंपल टास्क लाइक वॉकिंग डिफिकल्ट, तो चलने फिरने में आपको तकलीफ होती है ना। पीपल विद वाइटामिन ई डिफिशेंसी मे हैव दीज इश्यूज, तो जिन लोगों में वाइटामिन ई की कमी पाती है ना पाई जाती है, तो उनमें वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, मसल्स में पेन होती है, नर्व कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होती है। तो इसलिए बेटा क्या याद रखेंगे, वाइटामिन ई डिफिशेंसी से देयर इज इशू विद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ योर मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन, योर स्केलेटल कोऑर्डिनेशन एंड योर नर्व कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मसल इशू, तो अगेन इट इज सेम, हाँ द ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डिपेंड ऑन विटामिन ए, तो ये अगेन कोऑर्डिनेशन का ही है। नाउ हियर रिड्यूस्ड आई फंक्शन, यस इफ सीवियर विटामिन ई डिफिशेंसी, अगर ज्यादा ही विटामिन ई की डिफिशेंसी लोगों में पाई जाएगी तो ऑब्वियसली देयर इज सीवियर विटामिन ई डिफिशेंसी नॉट ट्रीटेड, पीपल मे इवेंचुअली लूज देयर विजन। ओ ये तो एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है, इफ सीवियर विटामिन ई डिफिशेंसी, अगर ज्यादा ही विटामिन ई की डिफिशेंसी होगी, इफ सीवियर विटामिन ई डिफिशेंसी इज नॉट ट्रीटेड, अगर जिसमें विटामिन ई की सीवियर डिफिशेंसी होगी और फिर हम उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों में आई लॉस, लूज देयर विजन। इसका क्या मतलब है, अगर सीवियर डिफिशेंसी है विटामिन ई की, फिर हमने उसको इलाज नहीं किया, तो लोगों में क्या खतरा रहता है, दे विल लूज देयर आई विजन, तो ये इसका मतलब है। एंड नंबर नेक्स्ट इज रिड्यूसर सेंसेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू मस्क्यूलर ब्रेन कोऑर्डिनेशन, तो इसी के साथ ये रिड्यूसर सेंसेशन भी आता है, द लॉस ऑफ फीलिंग, यू नो फीलिंग पर्टिकुलर आर्म्स, पैरासिथीसिस है ना, द आर्म्स एंड लेग्स कैन ऑल्सो बी ब्रॉट ऑन बाय एंड लैक ऑफ विटामिन ई, तो ये नंबनेस आती है, नंबनेस, सो यू विल लॉस सेंसेशन, ठीक है ना, सेंसेशन यू नो नंबनेस आता है अगर विटामिन ई की कमी होगी, है ना। तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट यू नो फॉर्म व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी, राइट। अब यहां पे मैंने और एक स्लाइड एक्स्ट्रा लगाया है कि व्हाट आर एक्चुअली द डिजीज दैट आर एक्चुअली कॉज्ड बाय विटामिन ई डिफिशेंसी, अगर डिफिशेंसी ई विटामिन ई की डिफिशेंसी होगी तो कौन कौन से डिजीजेस होते हैं दैट आर एक्चुअली रिलेटेड विद विटामिन ई डिफिशेंसी, तो पहला आप देख सकते हो अटैक्सिया, ये व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस अटैक्सिया, आई विल गिव यू, अभी मैंने आपको कहा कि रिड्यूस्ड सेंसेशन है, तो अटैक्सिया इज एक्चुअली रिलेटेड विद दिस लैक ऑफ सेंसेशन, तो अ लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन, लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन दैट इज पर्कन्जी न्यूरॉन कैन इंपेयर द कैपेसिटी ऑफ योर लिम्स टू कैरी मैसेज फ्रॉम एंड द ब्रेन, दिस कैन बी कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ई, अभी मैंने सेंसेशन की बात की है, तो सेंसेशन की बात की है, फॉर एग्जांपल लिम्ब्स में जो है ना, तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, तो देयर आर सम लैकिंग ऑफ न्यूरॉन्स दैट एक्चुअली दे लैक इन द न्यूरॉन्स, और जिसकी वजह से आपके लिम्ब्स की सेंसेशन ही चली जाती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अटैक्सिया, यू गॉट माय पॉइंट, अटैक्सिया का मतलब है लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद देना है न्यूरॉन्स, है ना, तो लिम्ब्स में, लिम्ब्स आर्म, इसको कहते हैं, सो ना बहस गासुन, बहस नर्ड या लिम्ब्स गासुन, हाँ इसमें क्या होता है, विटामिन ई की वजह से तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं एंड द काइंड ऑफ न्यूरॉन्स, स्पेसिफिक न्यूरॉन, दे आर लैकिंग एंड विद द रिजल्ट उनमें अटैक्सिया, यानी दे लैक दिस सेंसेशन, ओके ओके। अनदर काइंड ऑफ दिस सेंसेशन इज माई डियर अनदर दैट इज पैरास्थीसिया, यस माई डियर पैरास्थीसिया, इट इज नंबनेस, जो अभी मैंने कहा, ये जो नंबनेस होती है ना, कभी कभी हम भी फील करते हैं, या हम सभी फील करते हैं नंबनेस, तो विटामिन ई डिफिशेंसी कैन बी यूज्ड पैरास्थीसिया और नंबनेस। पैरास्थीसिया का मतलब क्या है बेटा, पैरास्थीसिया का मतलब है नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द आर्म्स एंड लेग्स, इट कैन लेड टू नर्व डैमेज, तो इससे नर्व डैमेज हो सकती है, प्रिवेंटिंग द नर्व्स फ्रॉम डिलीवरिंग मैसेज अप्रोप्रिएटली, तो ये नर्व अप्रोप्रिएटली मैसेज ब्रेन को नहीं देती है, सो दैट इज वाई इट शोज नंबनेस एंड इट इज वेरी डेंजरस बेटा। सो दिस इज द अनदर काइंड ऑफ डिजीज दैट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद व्हाट, विद विटामिन ई डेफिशिएंसी, राइट। यस मियास्थीनिया मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिक्वायर्स विटामिन ई, याद रखेंगे हमारे बॉडी में, अगर हम ब्रेन की, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे,
Nervous system is generally of two types. One is central nervous system, another is peripheral nervous system. लेकिन जो vitamin E है ना, vitamin E is required for what? Central nervous system. It is one of the primary antioxidants in the body. And lack of it causes oxidative stress, which can cause muscles weakness. तो simply myasthenia का मतलब क्या है? Myasthenia का मतलब है muscles weak हो जाते हैं. और जब muscles weak हो जाते हैं, because of what? Because of lack of vitamin E. And with the result, they cause what we called as myasthenia or myasthenia, right? Okay, muscle weakness. Another is autoimmune diseases. According to some research, immune cells can be initiated by vitamin E deficiency. Those who are older may be especially vulnerable. तो किन को खतरा होता है immune system weak पड़ जाना? Older people में, ठीक है ना? तो अगर उनमें vitamin E की deficiency पाई जाएगी, तो उनमें autoimmune diseases होंगे. Automatically diseases will attack on immune system, right? Another and number next is, beta, this is very much important and this is blindness. Lack of vitamin E, अभी मैंने कहा ऊपर स्लाइड में, vitamin E can cause vision loss by reducing the number of eye cells and light receptors in the retina. This might impair vision over time. अगर हम untreated रखेंगे, if you have a severe vitamin E deficiency and is not treated well, and it can lead to vision loss. So this is very important. So these are, my dear, some important introduction related to the vitamin E. And I also discussed it with you, what are the important sources of vitamin E, and plus what are the deficiencies of vitamin E, what are the causes of vitamin E. And I also discussed it with you, what are the important diseases that are actually related with the vitamin E. I hope beta aapko ye lecture bahut acche se samajh aa gaya. If really, then like my video, aur zyada zyada share karo, and plus comment karo. Agar aapko really really maza aata hai na, to comment zyada करो. अगर फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चे देखते हैं लेकिन मुझे 100 कमेंट्स आते हैं, बहुत नाइंसाफी है बेटा. तो इसलिए सब, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जितने भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो पहले सब्सक्राइब करें, और कमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर कमेंट इज माई कॉन्फिडेंस. एनीवेज, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग.